हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कैसे मैंने बिना टीचर के इंग्लिश में फ्लुएंसी हासिल की। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ टीचर के थ्रू ही लैंग्वेज सीखी जा सकती है, लेकिन मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूंगा जिससे आपको इंस्पायर होने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नंबर फर्स्ट इज मोटिवेशन एंड माइंडसेट। सबसे पहले मोटिवेशन का होना जरूरी है। जब मैंने सोचा कि मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं इस जर्नी को सीरियसली लूंगा। आपको ये सोचना होगा कि क्यों आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। क्या ये करियर के लिए है या ट्रेवल के लिए या सिंपली सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। जब आपका मोटिव क्लियर होता है तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल था करियर एडवांसमेंट, इसलिए मैंने इंग्लिश में फोकस किया। एंड नंबर टू इज यूजिंग फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज। दैट मीन्स मैंने बहुत सारे फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज किया। यूट्यूब पर इंग्लिश लर्निंग चैनल्स देखा, जैसे कि BBC लर्निंग इंग्लिश या Duolingo ऐप से वोकैबुलरी सीखा। इन रिसोर्सेज ने मुझे डेली प्रैक्टिस करने में मदद की। मैं हर दिन थोड़ा टाइम डेडिकेट करता था इन प्लेटफॉर्म्स पर। फॉर एग्जाम्पल, YouTube पर इंग्लिश न्यूज सुनना और लर्निंग वीडियोस देखना, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया जिससे डेली वोकैबुलरी मिलता था। एंड नंबर थर्ड इज एंगेजिंग विद इंग्लिश कंटेंट। दैट मीन्स मैंने इंग्लिश कंटेंट से एंगेज होना शुरू किया। मूवीज, टीवी शोज और पॉडकास्ट सुनने से मैंने नेचुरल कन्वर्सेशन को समझना शुरू किया। इंग्लिश मूवीज देखते वक्त सबटाइटल्स ऑन रखता था जिससे मुझे वर्ड्स और प्रोनाउंसिएशन समझने में मदद मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश मूवीज देखते वक्त सबटाइटल्स यूज करता था। पॉडकास्ट सुनने से मुझे एक्सेंट्स और टोन्स की समझ मिली। एंड नंबर फोर इज स्पीकिंग प्रैक्टिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग प्रैक्टिस मैंने सबसे ज़्यादा की। जब भी मौका मिलता था मैं अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर्स के साथ इंग्लिश में बात करता था। मैंने अपने आप से भी बातें करना शुरू किया। मिरर्स के सामने खुद से कन्वर्सेशन करता था। इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था और स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होते गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फ्रेज ले लेता था और उसको अपने वर्ड्स में यूज करते हुए बोलता था। जब कोई दोस्त नहीं होता तब मैं अपने आप से कन्वर्सेशन करता था। एंड नंबर फाइव इज लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। आपको ये समझना होगा कि मिस्टेक्स लर्निंग का पार्ट है। जब मैंने गलतियां की तब मैंने उनसे सीखा। मैं उन मिस्टेक्स को नोट करता था और उन्हें नेक्स्ट टाइम अवॉइड करने की कोशिश करता था। मिस्टेक्स से आपको इम्प्रूवमेंट का पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने देखा कि मैं टेंसेस में गलती कर रहा था तो उस पर फोकस किया। मिस्टेक्स की वजह से मैंने ग्रामर पर ध्यान देना शुरू किया। एंड नंबर सिक्स इज कंसिस्टेंसी इज की। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। मैं रोजाना थोड़ा टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए निकाल लेता था। ये कंसिस्टेंसी ही मेरी सक्सेस की वजह बनी। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे पढ़ना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हर दिन 30 मिनट्स इंग्लिश में पढ़ने और बोलने की आदत डाली। कंसिस्टेंसी से आप सीखते हो और कॉन्फिडेंस गेन करते हो। दोस्तों, ये थी मेरी जर्नी बिना टीचर के इंग्लिश सीखने की। आप भी इन टिप्स को फॉलो करके अपने इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे जरूरी है मोटिवेशन, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर टिप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।